ये तस्वीरें हैं कानपुर देहात की नगर पंचायत अकबरपुर की, जहां समाजवादी पार्टी की नगर पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी दीपाली सिंह और उनके पति जितेंद्र सिंह गुड्डन एक एक घर जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान भी तेज होता जा रहा है। बता दें कि यूपी निकाय चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। प्रत्याशी भी प्रचार प्रसार में जोर शोर से लग गए हैं। कानपुर देहात की अकबरपुर नगर पंचायत सीट से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी दीपाली सिंह लगातार जनता के बीच पहुंच रही हैं। जनता से वोट की अपील तो कर ही रही हैं, साथ ही उनकी समस्याओं को भी सुन और समझ रही हैं। दीपाली सिंह कहती है कि उनको जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और इस बार जनता उनको भारी मतों से विजय बनाएगी। उन्हें अकबरपुर की जनता पर पूरा विश्वास है। बता दें कि दीपाली सिंह के पति जितेंद्र सिंह गुड्डन ने दीनदयाल नगर में अपनी पत्नी एवं सपा प्रत्याशी दीपाली सिंह के लिए लोगों से वोट की अपील की। वहीं जब गुड्डन सिंह अपने समर्थकों के साथ अपनी पत्नी दीपाली सिंह के लिए जनसंपर्क कर रहे थे, उस वक्त समर्थकों और आम जनता में काफी उत्साह भी दिखाई दिया और लोगों ने गुड्डन सिंह, दीपाली सिंह और साइकिल निशान जिंदाबाद के नारे लगाए। जितेंद्र सिंह गुड्डन के साथ जुड़ा यह सैलाब बताता है कि इस बार अकबरपुर की जनता दीपाली सिंह को नगर अध्यक्ष पद के रूप में देखना चाहती है। जनसंपर्क के दौरान पिंटू पांडे, कन्हैया शुक्ला, मनु शुक्ला, बीपी सिंह, सचिन शुक्ला, नागेश, राजन तिवारी मौजूद रहे।